अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइवली कुकिंग। आज मैं आप लोगों के साथ शादियों में बनने वाली स्टीम चिकन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये देखें कितना ज़बरदस्त स्टीम रोस्ट तैयार हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त है, सॉफ्ट और जूसी भी है, और बाहर से इसकी लुक आप चेक करें कितनी ज़बरदस्त है। बिल्कुल वैसा ही जैसा कि रेस्टोरेंट्स में और शादी हॉल में तैयार किया जाता है। तो आइए इस ज़बरदस्त टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने पानी लिया है, इतना पानी ले लें जिसमें चिकन अच्छी तरह से डिप हो सके, और इसमें एक खाने का चम्मच नमक ऐड करेंगे, एक खाने का चम्मच सफ़ेद सिरका ऐड करेंगे, और अच्छी तरह से पानी में हम नमक को और सिरके को मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें चिकन को डिप करेंगे। यहाँ पर मैंने एक अदद चिकन लिया है जिसके मैंने 8 पीसीस कर लिए हैं। ज़्यादा बड़ा चिकन आपने नहीं लेना, थोड़ा मीडियम साइज़ का चिकन ले लें और इसके 8 पीसीस करवा लें। चिकन को मैंने पानी में अच्छी तरह से डिप कर लिया है, इसको अच्छे से वॉश करेंगे और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम चिकन के पीसीस को इस तरह से किसी छलनी के ऊपर रखेंगे ताकि जो एक्सेस इसका वाटर या मॉइस्चर वगैरह हो वो रिमूव हो जाए, इसका पानी जो है वो रिमूव हो जाए। इस तरह से इसकी जो सारी गंदगी खून वगैरह है तो वो इससे रिमूव हो जाते हैं। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी आधा टेबल स्पून नमक। आप जायके के हिसाब से ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, कम भी ऐड कर सकते हैं। नमक हम चिकन के ऊपर अच्छे से लगा लेंगे और इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, यहाँ पर ऑयल को मैंने बहुत अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम चिकन को हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। लो फ्लेम पर आपने इसे फ्राई नहीं करना, हाई फ्लेम रखनी है। हाई फ्लेम पर हम चिकन को गोल्डन ब्राउन होने तक और बाहर से क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। तो ये देखें, एक तरफ से कलर आ गया है, मैंने इसकी साइड टर्न कर ली है, और ये देखें गोल्डन सा कलर आ गया है, बाहर से क्रिस्पी हो गए हैं। तो अब हम चिकन को ऑयल में से हटा लेंगे और इसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे। चिकन को ऑयल में से निकाल कर हम किसी छलनी में रखेंगे ताकि ये अच्छे तरह से ठंडा हो जाए और ऑयल वगैरह जो है एक्सेस वो रिमूव हो जाए। तो यहाँ पर मैंने लिया है आधा टेबल स्पून सौंफ, आधा टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा और आधा टेबल स्पून साबुत धनिया। इन सारी चीज़ों को हम दरदरा सा पीस लेंगे, देखें इस तरह से। अब हम लेंगे एक खाने का चम्मच योगर्ट यानी कि दही, एक चाय का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, पिसा हुआ अदरक और लहसुन भी आप एक चम्मच ले सकते हैं, चाय का चम्मच, आधा टेबल स्पून सफ़ेद सिरका, आधा टेबल स्पून हॉट सॉस, आधा टेबल स्पून सोया सॉस और एक टेबल स्पून केचप हम इसमें ऐड करेंगे। आप चाहें तो चिली गार्लिक केचप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उसका जायका भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूनिक सा आता है इसमें। अब जो हमने मसाले पीस के रखे हुए थे तो वो भी हम इसी में ऐड कर लेंगे। इसके अलावा मैं इसमें ऐड करूंगी चिकन टिक्का मसाला। तो यहाँ पर मैं पैकेट का इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आप घर का बना हुआ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। 2 खाने के चम्मच चिकन टिक्का मसाला मैंने इसमें ऐड कर लिया है, चाइनीज सॉल्ट तकरीबन आधा टीस्पून और थोड़ा सा येलो फूड कलर मैंने इसमें ऐड कर लिया है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन चिकन टिक्का मसाले में ऑलरेडी नमक मौजूद है तो इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं किया। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको थिन कर लेना है। यहाँ पर हम स्टीमर बनाएंगे, इसके लिए मैंने कढ़ाई ली है, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके उसके ऊपर छलनी रख दी है। चिकन को अब हम इस तरह से मसाले में डिप करेंगे। ये मसाला आपको नज़र आ रहा है तो ये मसाला इस तरह से थोड़ा सा थिन होना चाहिए। चिकन को हम इसमें अच्छी तरह से डिप करेंगे ताकि सारा मसाला जो है वो चिकन के ऊपर अच्छे से लग जाए, और जो बाकी का बचा हुआ मसाला है तो हम चिकन के ऊपर इस तरह से डाल लेंगे। आप चाहें तो छलनी के बजाय एक छोटा सा कोई स्टैंड रख लें और इसके ऊपर आप फॉइल पेपर बिछाकर उसमें सुराख करके भी आप स्टीमर बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 खाने के चम्मच सफ़ेद तिल, इसको इसके ऊपर इस तरह से डाल लें। हर एक पीस के ऊपर थोड़े थोड़े तिल होने चाहिए। इसके अलावा मैं इसके ऊपर हरी मिर्चें भी ऐड करूँगी, बीच में से कट करके थोड़ा सा इस तरह से पतला करके आप इसके ऊपर हरी मिर्चें शामिल करें। और इसके अलावा मैं इसमें बारीक जुलियन कटा हुआ अदरक भी ऐड कर रही हूँ। तो जायके के हिसाब से आप इसमें अदरक और हरी मिर्चें ऐड कर सकते हैं। तो देखें ये तैयार है, अब हम इसे स्टीम करेंगे। तो आप इसके ऊपर ढक्कन भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इसके ऊपर फॉइल लगा रही हूँ। देखें इस तरह से फॉइल से ये होगा कि ये बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा।
तो इसको मैंने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। ये देखें, यहाँ पर मैंने इसको बिल्कुल बंद कर लिया है। तो अब हम इसे स्टीम करेंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए। पहले के 5 मिनट आपने इसे हाई फ्लेम पर रखना है और इसके बाद हल्की आंच पर आपने इसे 30 मिनट के लिए, यानी कि टोटल 35 मिनट के लिए आपने इसे स्टीम करना है। टोटल 35 मिनट के लिए, 5 मिनट्स हाई फ्लेम पर और 30 मिनट्स लो फ्लेम पर। तो ये देखें, तकरीबन 35 मिनट्स हो चुके हैं और यहाँ पर आराम से, एहतियात से आपने फॉइल को रिमूव करना है। फॉइल को मैंने रिमूव कर दिया है और ये देखें, ज़बरदस्त सा चिकन स्टीम रोस्ट शादियों वाला बिल्कुल तैयार है। ये देखें कितना सॉफ्ट बना है, बिल्कुल वैसा ही जैसे कि शादी हॉल में और रेस्टोरेंट्स में बनाया जाता है। ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी। अगर मेरी आज की रेसिपी आप लोग को अच्छी लगे तो इसे थम्सअप दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़ीद टेस्टी, डिलीशियस और ईजी रेसिपी सीखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक मेरे दूसरे चैनल लाइफ स्टाइल विद लाइवली कुकिंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे दूसरे चैनल को भी विजिट करें। वहाँ पर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो उसे भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए मेरे फेसबुक पेज लाइवली कुकिंग और मेरे इंस्टाग्राम आईडी लाइवली कुकिंग पर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।